नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ Hyundai i20 का डीजल वाला वेरिएंट। टॉप वेरिएंट है, एस्था ऑप्शनल। इसको भैया चला के देखेंगे डीजल में कैसा इसमें भाई चलाने में मजा आएगा, क्या इसमें पावर वगैरह है। वैसे कंपनी बताती है इसकी 99 BHP की पावर। बड़े बड़े इसमें आपको टायर मिल जाएंगे 16 इंच के ऊपर। यहाँ पे आपको इसमें सनरूफ मिल जाएगी, सार्क फिन एंटीना है, और भाई यहाँ पे डिफोगर वाइपर वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। कैमरा भी इसमें दिया गया है, कीलेस एंट्री मिलती है, यहाँ पे इसमें सेंसर भी दिया गया है। ये इस टाइप की भाई इसमें आपको की मिल जाएगी। चार इसके ऊपर कंट्रोल है, ये हॉर्न के लिए, ये इसका बूट ओपन करने के लिए, ये अनलॉक के लिए, और ये है लॉक करने के लिए। दोनों इसी टाइप के की है। डीजल वाला वेरिएंट है, 2023 तक आया था डीजल में, उसके बाद भैया 23 में भी कुछ महीने, और अब ये 24 में डीजल वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा, पेट्रोल में मिलती है। यहाँ पे रखते हैं इसको, नहीं तो अभी वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी भाई की नहीं है गाड़ी स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे आपको ये कंट्रोल मिल जाएंगे पावर विंडो वगैरह के लिए, ORVM के लिए। और भाई गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ पे आपको इसके जो इंजन की नॉइज है वो सुनाई दे रही होगी। AC भी चालू है तब भी इतनी ज्यादा नॉइस इसके इंजन की बाहर नहीं आएगी, और कैबिन में भी आपको कुछ ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ पे आपको इसमें ये एयर प्यूरिफायर भी मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे मिलती है, ऑटोमेटिक AC है, बड़ी सारी यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगी, डिजिटल पूरा ये इसका क्लस्टर मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। अब भाई इसको चलाते हैं और चला के देखते हैं फिर कैसा ये भाई परफॉर्म करेगी, क्योंकि 99 BHP की इसमें पावर है, और भाई लगभग 250 के आसपास इसमें टॉर्क मिलेगा, शायद से 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इसमें, तो वो देखते हैं। AC चालू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AC ऑन है इसका पूरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इसमें, मैनुअल है, डीजल में आपको मैनुअल का ही ऑप्शन मिलता था, ऑटोमेटिक नहीं थी। ऐसा ऑप्शनल वेरियंट है। यहाँ पे ऊपर आपको ये ऑटो डिमिंग ERVM मिल जाएगा, सारे यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलेंगे, सनरूफ ये दी गई है, और ये पीछे वाली सीट इसकी भाई यहाँ पे आपको AC के वेंट भी मिलेंगे। पीछे यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट होता था, नहीं भाई USB है, ये नीचे यहाँ पे दिया गया है। आर्मरेस्ट है, ये भी छोटा सा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये थे इसके जो बेसिक्स से फीचर है, पूरा डिजिटल है ये क्लस्टर, इसमें भी आपको वही बेसिक से सारे फंक्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसमें स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे RPM दिखाएगा, डिजिटल RPM यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे डिजिटल स्पीड दिखाएगा, ये फ्यूल दिखाएगा, ये यहाँ पे इसमें टेम्परेचर दिखाता है, बीच में यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह ये सारी चीज दिखाएगा, नीचे यहाँ पे टेम्परेचर, ये ओडोमीटर। 113,321 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और अभी भी गाड़ी में भाई कोई एक्स्ट्रा आपको कहीं आवाज को सुनाई नहीं देगी, कहीं इसका मतलब कैबिन में कोई खड़कने की आवाज या फिर इंजन की आवाज चेंज नहीं है, वैसे ही है जैसे नई गाड़ी में होती है, उसी टाइप का यहाँ पे इंजन की आवाज आपको सुनाई देगी। देखो AC बंद कर दिया मैंने, अब AC बंद करने के बाद जो हल्की हल्की सी डीजल की आवाज होती है ना, डीजल इंजन की, वो सुनाई दे रही है बस कैबिन के अंदर, बाकी कोई और एक्स्ट्रा आवाज इसमें कहीं भी नहीं है। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट, AC को भी कर देते हैं भाई यहाँ पे स्टार्ट। हाँ ये हो गया, AC भी कर दिया स्टार्ट। अब चला के देखेंगे चलाने में कैसा इसमें मज़ा आएगा। क्लच थोड़ा सा हार्ड है भाई, डीजल है, वैसे भी Hyundai कार्स में भाई क्लच थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो इसका भी मेरे को वैसे ही हार्ड ही यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि मैं पेट्रोल चलाता हूँ, पंच है मेरे पास पेट्रोल में CNG में, तो भाई उसका बहुत ज़्यादा लाइट है यहाँ पे। अगर मैं क्लच का कंपेरिजन करूँ तो मैंने क्लच छोड़ दिया, पहले गियर में चल रही है नॉर्मल स्पीड पे, अपनी जो भी ये स्पीड लेगी उस स्पीड पे चलती रहेगी, 8-10 की स्पीड पे। अगर मैं एक्सीलरेट करूंगा तो एकदम से रिस्पॉन्स करेगा डीजल इंजन, वही यहाँ पे इसमें आपको पंच मिल रहा है, जो डीजल इंजन का जो कैरेक्टर होता है उसी टाइप का यहाँ पे ये परफॉर्म इसमें कर रहा है। नीचे ये यहाँ पे RPM दिखाएगा, जैसे मैं इसको एक्सीलरेट करूंगा ना, देखो ये बड़ा मस्त लगता है, रात में तो इसका अलग ही लुक होता है, अलग ही फील होता है। अब इसको हाईवे पे चला के देखेंगे, बिना एक्सेलरेट करे चढ़ा दिया मैंने ऊपर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। अब करते हैं इसका गियर को चेंज सेकंड गियर में, 3000 RPM 54 की स्पीड में चल रही है गाड़ी। भाई थोड़ा सा भीड़ भाड़ का एरिया है, मैं ऊपर हाईवे पे जाऊंगा ना तब आपको थोड़ा सा इसको भगा के दिखाऊंगा। 70 की स्पीड तक पहुंच गई थी लगभग 2500 RPM पे, तीसरे गियर में है ऊपर, यहाँ पे इसमें गियर भी शो करता है, ये कह रहा है कि भाई फिफ्थ गियर में लगाओ ऊपर गियर बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं अभी तीसरे गियर में चला रहा हूँ, फोर्थ गियर में डाल देते हैं इसको। बिना देखे बंदा सामने से आ गया, कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं भगा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं लगाई, मैंने ब्रेक लगाई, अगर मैं ज़्यादा स्पीड में होता तो पक्का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाना था। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कोई मतलब नहीं है, पीछे से कोई आ रहा है क्या है, खुद मरना है दूसरों को भी मारना है, फिर बोलते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया, ये था वो था, खुद लापरवाही करोगे तो भाई एक्सीडेंट भी होगा। चलो छोड़ो, यू टर्न लेके अब दोबारा हाईवे के ऊपर आऊँगा तो फिर वहाँ पर भगा के देखते हैं, यहाँ नीचे सर्विस रोड पर भाई ज़्यादा स्पीड में भगाना कोई ठीक है नहीं।
ऐसे ऐसे पुरानी और भी आ जाएंगे। हॉर्न इसमें शायद से भाई चेंज है, ये सिंगल हॉर्न इसमें बज रहा है, ये हॉर्न शायद से चेंज है इसका। इसमें वो पोंपों वाले हॉर्न आते हैं ह्यूंडई में, तो वही होना चाहिए था। अब यहाँ पे यू टर्न लूँगा मैं, तीसरे गियर में है और तीसरे गियर में भाई ऐसे ही इसको उठाऊँगा मैं, यहाँ पे गियर चेंज नहीं करूँगा। लो स्पीड हो गई, ये आपके सामने ही है, 12 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ऐसे मैंने क्लच छोड़ दिया नीचे। अब यहाँ पे भाई अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं देगा। मेरा जो पैर है वो एक्सीलेटर पैडल से दूर है, ये देखो आप, यहाँ पे मैंने दूर हटा दिया और गाड़ी दोबारा से चलना स्टार्ट हो चुकी है खुद ब खुद। तीसरे गियर में है, ऑटोमेटिक ये स्पीड ले लेगी, जैसे डीजल इंजन में होता ही है, जो नॉर्मल स्पीड होती है वो खुद ब खुद उस पर चलती रहेगी। अब जैसे ये 27, 28, 30 तक चलेगी, यहाँ पे कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं फोर्थ गियर में डाल दूंगा तो तब भी मेरे को नीचे इसमें रेस देने की ज़रूरत नहीं है, पैडल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये 35 तक चलेगी यहाँ पे। तो ऐसे ही मैं गियर इसके चेंज करता रहूँगा, फिफ्थ में डाल दूंगा उसमें भी ऐसे चलेगी, सिक्स्थ में डाल दूंगा उसमें भी ऐसे चलेगी, मतलब जो नॉर्मल स्पीड होती है, जो इसको ज़रूरत है जितनी स्पीड की, वो खुद ब खुद ले लेगी और खुद चलती रहेगी। ये आ गया भाई मैं हाईवे के ऊपर, गाड़ी न्यूट्रल है, इसको डालूंगा मैं सीधा सेकेंड गियर में। फर्स्ट गियर में नहीं उठा रहा, सेकंड गियर में डालूंगा, बिना एक्सेलेरेट करे चलाऊंगा। नीचे एक्सेलेरेटर पैडल से मेरा पैर दूर है, आप देख सकते हैं फ्रेम में, और गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। कोई गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं आई, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, और गाड़ी खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो गई। 16 की स्पीड पर चलेगी, एक्सेलेरेट करूंगा तो एकदम से जो डीजल इंजन में होता है पंच वो आपको मिलेगा, और जैसे टर्बो एक्टिवेट होगा उस टाइम पर तो भाई अलग ही मजा आएगा। 80 की स्पीड तक पहुंच गई, थर्ड गियर में 100 की स्पीड पार भाई तीसरे गियर में ही। ये मजा होता है डीजल इंजन में, और पता नहीं चल रहा गाड़ी में कि गाड़ी 100 की स्पीड पे भाग रही है। यहाँ पे फोर्थ गियर में डाल दिया मैंने इसको, बढ़िया भाग रही है। स्पीड की यहाँ पे वार्निंग आ गई, क्योंकि भाई 125 की स्पीड हो गई, 120 से ऊपर कंटिन्यूस जो ये वार्निंग है वो आती रहेगी। अब चलते हैं भाई फिफ्थ गियर में, 120 से ऊपर जाते ही फिर दोबारा से वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ये भाई नीचे ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार ऐसे ही वार्निंग आती रहेगी इसमें। ये सिक्स्थ गियर में, भाई मस्त है, डीजल इंजन का तो मजा ही अलग है। अब धीरे धीरे डीजल इंजन बंद होते जा रहे हैं, जिस जिस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं, वो है कि जब तक मिल रहे हैं तब तक आप उनको यूज कर सकते हैं। महिंद्रा में तो लगभग सब में ही डीजल इंजन आपको मिलेगा, चाहे छोटी ले लो या बड़ी लो, लेकिन जो दूसरी है जैसे ह्यूंडई है, ह्यूंडई में भी आपको सब गाड़ियों में डीजल नहीं मिलेगा, जैसे i20 में भी नहीं मिलता, i10 ओरा वगैरह उनमें भी बंद कर दिया, वरना में भी डीजल नहीं मिलता, वरना की डिमांड डीजल में ज़्यादा थी लेकिन डीजल में बंद कर दिया कंपनी ने। ये इंजन अगर वरना में होता तो वरना और ज़्यादा बिकती, अब उसकी डिमांड कम होगी इसी कारण हुई, क्योंकि उसमें डीजल इंजन नहीं मिलता। अब भाई i20 का थोड़ा ये था कि लोग, जो नया आया था ये फेसलिफ्ट आया था, इसमें लोग कम पसंद कर रहे थे, और जो ले रहे थे वो भाई पेट्रोल में उठा रहे थे, तो इसलिए कंपनी ने अब डीजल डिसकंटिन्यू कर दिया। आने वाले टाइम पे जो आ भी रही हैं कार्स, जैसे क्रेटा आई है नई, या फिर और हैं जो डीजल में आती हैं, वो भी भाई धीरे धीरे बंद हो जाएगी। वेन्यू भी हो सकता है आने वाले, क्या पता 24 में एंड तक या फिर 25 में बंद हो जाए, तो भाई देखते हैं कब तक मिलता है। वैसे माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है 9.5 की, और कंपनी क्लेम करती है 24, पता नहीं 25 कुछ ऐसी क्लेम करती है कंपनी कि इतनी माइलेज निकाल देती है, और भाई सच में 24-25 की माइलेज i20 भी निकाल देगी। अगर वेन्यू भी लेंगे आप डीजल में, वो भी आराम से निकाल देती है। अगर आप माइलेज निकालने पे आओ तो, हाईवे पे चल रहे हैं बढ़िया क्रूज कंट्रोल लगा के चले, तो आराम से निकाल देगी 24-25 की। अगर नॉर्मल आप यूज कर रहे हैं तो 20 प्लस तो भाई तब भी निकाल देगी। पेट्रोल वाला काम नहीं होता डीजल इंजन में कि भाई आपने हार्ड एक्सीलेट कर दिया तो माइलेज एकदम डाउन आ जाएगी, वो वाला सिस्टम डीजल में नहीं होता। डीजल में तो आपको जो है मिनिमम वो मिलेगी मिलेगी, तो 20 तक भाई ये आराम से निकाल देते हैं प्यार से। चलाने का जो मजा है वो तो भाई है ही। अगर अब आपको i20 लेना है तो भाई अब तो फिर वही पेट्रोल टर्बो में ही लेना पड़ेगा, वही आपको डीजल का थोड़ा बहुत मजा दे सकता है, नहीं तो भाई अब जो सिंपल पेट्रोल है उसमें ही आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, तो अब आपको ये वाला मजा नहीं मिल सकता। ये था भाई i20 का एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, इसका एक चलाने का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। तो भाई मजा आया चला के,
अब ये शायद से फ्यूचर में ना मिले, जो है ये पुरानी ही मिलेंगी, आप आफ्टर मार्केट ही कहीं से ले सकते हैं, नई तो हो सकता है भाई, हो क्या सकता है, 99% चांस है कि अब नई नहीं मिलेगी। तो ये था भाई आज का वीडियो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।